तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है मेडिकल से रिलेटेड। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर करके परेशान कर दिया कि मेडिकल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो मेडिकल के बारे में बात करेंगे, नॉकनी फ्लैट फुट के बारे में बात करेंगे, जो हाइड्रोसिल वगैरह चेक होता है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, एक मेन चीज उसके बारे में बात करेंगे, अगर किसी का हड्डी फ्रैक्चर है या कुछ है, जैसे हाथ किसी का ऐसे टेढ़ा होता है तो उस बारे में भी बात करेंगे। और अगर किसी का हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ है, पहले प्रॉब्लम था अब ठीक है, तो क्या उसको फिट लेते हैं या नहीं लेते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब मेडिकल का प्रोसेस वहां से स्टार्ट होता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट में पास हो जाते हैं सब लोग। तो उसके बाद वहां से एक इतना बड़ा छोटा सा पर्ची मिलता है और पैसा वहीं पर ले लिया जाता है। 24 रुपये लगा था शायद हम लोगों का। तो उसके बाद हम लोग गए, मेरा विजयवाड़ा था और कुछ लोगों का तिरुपति कहीं कहीं था। तो मैं दो तीन जगह का क्या क्या चेक हुआ था वो बताता हूँ, मेरा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये भी बताऊंगा। और ये है मेडिकल का एक पर्चा मिलता है जो कि मैंने उस टाइम फोटो ले लिया था। तो ये है, और ये जनरली जैसे कि कोई भी रेलवे हॉस्पिटल में जाता है तो उसके लिए ये पर्चा मिलता है, तो हम लोगों को भी मिला था। इस पर्चे के हिसाब पे सब लिख जाता है कि क्या क्या चेक होता है, तो वो चीज चेक होगा। तो सबसे पहले शाम को गए थे हम लोग, तो वहां पे जाके रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट करने के बाद ये बताया गया कि हाँ, अगले दिन बिना खाए बिना पिए आना है सुबह सुबह। पानी, दारू नहीं, पानी बिना पिए आना है, दारू पी के तो नहीं जा सकते। तो हम लोग मतलब अगले दिन बिना खाए पिए हॉस्पिटल में पहुंचे। तो सबसे पहला काम क्या हुआ था, यूरिन लिया गया था और ब्लड। और यूरिन का मतलब जिसको नहीं पता है उसको बता दें, सुसु। तो हाँ, यूरिन और ब्लड लिया गया था। यूरिन चेक होता है मेनली कि किडनी में कोई प्रॉब्लम ना हो, और ब्लड चेक होता है वो शुगर वगैरह के लिए। उसके बाद ईसीजी का टेस्ट होता है, ऐसे ग्लू वाला छोटा छोटा यहाँ पे चिपका देता है और धड़कन वड़कन सुनता है, पता नहीं क्या होता है। ईसीजी का एक सवाल भी है, ये भी नोट कर लो, एग्जाम में पूछता है ईसीजी का फुल फॉर्म। अब मैं बता नहीं रहा, जिसको पता है वो कमेंट में कमेंट करे। और ईसीजी टेस्ट करने में कोई फेल नहीं हुआ था, और हमारे साथ एक लड़का मेडिकल अनफिट हुआ था। तो उसके साथ क्या हुआ मैं बताऊंगा कभी अच्छे वर्ष से एक वीडियो में, कि मेडिकल फिट अनफिट होने के बाद क्या क्या होता है। तो ईसीजी हो गया, उसके बाद हम लोगों को बोला गया कि चेस्ट, मतलब चेस्ट का एक्सरे होगा। तो एक अलग ही कमरे में ले गया गया, ऐसे बड़ा सा मशीन था, और वहां पे ऐसे कपड़ा शर्ट उतरवाया था ऑनली और चिपका दिया था। और पूरा रिब्स का मतलब ये जो हड्डी यहाँ पे होता है वो टूटा नहीं हो, इस चीज के लिए एक्सरे होता है। और लंग्स वगैरह का देखते हैं नहीं देखते हैं ये नहीं पता, मुझे शायद स्टार्टिंग में लग रहा था कि लंग्स वंग्स भी चेक करेगा, लेकिन नहीं, वो ओनली रिब्स के लिए होता है कि हड्डी ना टूटा हो। और एक बात, तो उसके बाद जब वो टेस्ट हो गया चेस्ट वगैरह वाला, तो एक अलग रूम में ले जाएगा, और वहां पे लाइटें वाइटें लगी हुई थी, जैसे हमको जहां बैठाया था उससे 19 मीटर दूर, कलर विजन के लिए एक ऑरेंज एक ग्रीन और एक रेड ऐसे लाइट था, कोई एक जल रहा था, उसमें बताना था कलर कौन सा है ये। फिर वो बंद होता था, फिर दूसरा जल रहा था, तो फिर पूछता था कि कलर कौन सा है। तो उससे कलर विजन टेस्ट होता है। और कलर विजन टेस्ट एक और तरीके से होता है कि जैसे ग्रीन डॉट के बीच में रेड डॉट से लिखा होता है, बेसिकली ये है, देख लो फोटो में लगा दे रहा हूँ, तो इसमें लेटर लिखा होता है, जिसको इसमें नहीं दिख रहा है वो उसको कलर विजन है, यही से समझ जाओ। तो ऐसे होता है कलर विजन का टेस्ट। और ये कलर विजन होने के बाद हम लोग का हियरिंग टेस्ट हुआ, फिजिकल टेस्ट हुआ। हियरिंग टेस्ट में बेसिकली क्या किया कि 8 से 9 मीटर दूर ऐसे खड़ा किया था हमको, और पीछे से मैडम थी, हाँ मैडम ही थी, तो वो बोल रही थी 45, तो मुझे रिपीट करना था 45, और जिसने 49 बोला वो गया। समझ रहे हो बात, मतलब जो वो बोला वो रिपीट करना है, कोई 45 को 49 बोला तो भाई तुमको सुनाई नहीं देता, जाओ। और इसके बाद वही मैडम के पास एक बुक था, उसमें छोटे छोटे लिखा हुआ था, हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ो, जिसको इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश पढ़ो, जिसको तेलुगु तमिल पढ़ना हो तेलुगु तमिल पढ़े। तो वो पढ़वाया गया, उसे नजदीक का वो आँख कैसे ठीक होता है, मतलब ठीक है या नहीं है, तो वो टेस्ट हुआ। तो निकट दृष्टि दोष टेस्ट करने के बाद अब बारे था मेन जो आई टेस्ट होता है उसका। तो वहां पे पहले एक ऐसे सी कट रहता है, इधर कट है, और फिर वो ऐसे अप रहेगा ऐसे डाउन रहेगा। तो उससे 19 मीटर दूर हम लोग को बैठा के एक मशीन से उसको ऑपरेट किया जाता था। तो पहले बड़ा दिखाया कि इधर इधर कट है तो उसको राइट लेफ्ट बोलना था, अप है तो अप डाउन बोलना था, और छोटा होता गया ये मेन टेस्ट होता है 6x6 का,
जैसे ये सी है तो इधर कट है तो तुमको बोलना है राइट, इधर कट है तो बोलना है लेफ्ट, अप है तो अप, डाउन है तो डाउन। और ये पहले इतना बड़ा सा होता है तो इतना छोटा 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 हो जाता है एकदम। तो ये होता है आई टेस्ट के बारे में। और अब बात करते हैं फ्लैट फुट और नॉक नी के बारे में। तो बेसिक एकदम फ्लैट फुट क्या होता है कि ऐसे तुम्हारा ये जो पंजा है तो ये ऐसे जमीन पे रखने में पूरा छाप उखड़ रहा है तो वो होता है फ्लैट फुट। और मैं बता दूं कि विजयवाड़ा में फ्लैट फुट मैं जहाँ पे था वहाँ पे नहीं हुआ। हाँ, जहाँ पे तिरुपति में जो लोग गए थे उनका फ्लैट फुट और नॉकनी दोनों टेस्ट हुआ था। नॉकनी मतलब कि ये घुटना जो टकराता है उसके बारे में। तो फ्लैट फुट और नॉकनी मेरे यहाँ पे नहीं चेक हुआ था, वहाँ पे हुआ था। और मुंबई जोन में भी हुआ था, तो बहुत जगह पे हुआ था, बहुत जगह पे नहीं हुआ था। और अब आते हैं पैंट उतरवाने पे। तो हाँ, पैंट सबका उतारा जाता था, हाइड्रोसिल देखा जाता था। और जो डॉक्टर था पता नहीं उसके माइंड में क्या आया, मैं उतारा मेरा देखा और उसके बाद बोल रहा है शादी हो गया है। और पता नहीं क्यों बोला, मुझे नहीं पता है। हाँ, बस बोला था। और जैसे वहां पे, यहाँ पे हाइड्रोसिल टेस्ट हुआ था, वहां पे पाइल्स वगैरह का भी टेस्ट हुआ था। पाइल्स वगैरह में से झुका के पैंट उतरवा के खसा जाता है तो खसवाते थे। हम लोग के यहाँ पे नहीं हुआ था तो हम लोग का पैंट कम उतरा है कंपेयर टू तिरुपति। और हाँ, एक मेन चीज कि एक लड़के का जैसे ये हाथ था तो वो ऐसे करने पे मेरा पूरा सीधा दिख रहा है, उसका थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा था। किसी का हाथ में पहले फ्रैक्चर हुआ है, कुछ भी हुआ है तो वहां पे क्या बोलते थे, जैसे वहां पे डॉक्टर लोग काफी अच्छे थे, तो बोल रहे थे कि बाहर जाओ प्राइवेट डॉक्टर के पास, ऑथोराइज डॉक्टर जो, वहां से चेक करवा के लिखवा के लाओ कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्किंग में, मतलब हाथ मुड़ने उड़ने में कोई दिक्कत नहीं है मेडिकली, ये कि नॉर्मल चीज है, मतलब उनसे लिखवा के लाओ। तो उनसे जो लिखवा के लाया वो पास हो गया था। हम लोगों के साथ एक लड़के का हुआ था, वो पास हो गया था। और एक हाइड्रोसिल के ऑपरेशन के बारे में भी सवाल आ रहा था, तो हाँ, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन मेरे साथ एक लड़का था, मेरे जान पहचान का था, वो करवा के गया था। तो वहां पे क्या था कि जिसका भी ऑपरेशन कुछ भी पहले से हुआ है उसका डॉक्यूमेंट्स बनता है, जो फाइल, वो लेके जाना था। डॉक्टर उसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम था, अब क्या है, क्यों है, अगर ठीक है तो पास हो। मतलब ऐसे कुछ ज्यादा टफ फालतू में बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं रहता हम लोगों का। अगर जैसे हम लोग के साथ एक लड़का था तो उसका हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ था, वो अपना पेपर्स वगैरह लेके गया था, आज हमारे साथ जॉब कर रहा है। तो ऐसे कोई भगाने वाला प्लान नहीं रहता है, अगर तुम्हारा हर चीज फिट है तो फिट रहोगे। और लास्टली लास्टली एक बात करते हैं कि आंख टेस्ट और एक तरीके से होता है, जैसे कि लेजर टेस्ट का। तो लेजर का क्या होता है कि आंख ऐसे खुलवा के एक ड्रॉप डालते हैं, उससे कॉर्निया बड़ा हो जाता है और उस पर लाइट मार के देखते हैं। अगर लाइट मार के देखेंगे, जिस दिन हम लोग थे तो वो डॉक्टर ही बीमार था, देख रहे हो, बैड लक देख रहे हो, डॉक्टर ही बीमार है। तो फिर प्राइवेट डॉक्टर बुलाया गया और वो लेजर लगा लगा के काफी अच्छे से चेक किया है। यहाँ पे पूरा ऐसे लाइट मार के चमकता है, जो भी लेजर ट्रीटमेंट होता है वो चमक जाता है। तो हाँ, लेजर ट्रीटमेंट जो करवा ले अगर तो वहां पे पकड़ा जाएगा। तो कोई लेजर ट्रीटमेंट प्लीज मत ही करवाना। जिसका प्रॉब्लम है आंख ठीक रहना है तो गाजर और पालक का जूस पियो, कच्चा गाजर का और पालक का, उससे आंख ठीक रहता है। तो हाँ, लेजर ट्रीटमेंट का चेक होता है, जो ड्रॉप डालता है साला उसके बाद 3 घंटे तक दिखता नहीं है। लाइट में जाओगे तो कॉर्निया बड़ा हो जाता है, तो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने लगता है, तो आंख बंद करके ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, तो वो अलग चीज है। कॉर्निया के बारे में भी एक सवाल है, वो भी याद कर लेना कि जब नेत्रदान किया जाता है तो आंख का कॉर्निया दान किया जाता है, पूरा आंख का ऐसे गोल निकाल के नहीं किया जाता, ये सवाल आता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है, सवाल भी बता दे रहा हूँ, नोट कर लो। तो लास्टली मैं एक चीज बता देता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे दौड़ा ओड़ा के भी देखा जाता है क्या, तो नहीं, दौड़ा के नहीं जैसे देखा जाता है, ये हाथ ऐसे ऐसे पूरा चलवाया जाता है, ये ऐसे चलवाया जाता है, ये एल्बो, जितना भी ज्वाइंट है पैर का, हाथ का, गर्दन का, सब ऐसे ऐसे मूव करवा के देखा जाता है कि स्मूथली मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज चेक होता है। तो ये अच्छा भी चीज है कि चेक हो जाना चाहिए कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये इतना ही चीज टेस्ट होता है। हाँ, अच्छे से टेस्ट होता है। लास्टली एक लड़का हमारे साथ, आंख में भी उसका मतलब प्रॉब्लम था, उसका विजन क्लियर नहीं था, 6x6 नहीं था। तो जिस हॉस्पिटल पे हम लोग थे वो डिविजनल हॉस्पिटल था। तो क्या किया जाता है कि जब डिविजनल हॉस्पिटल में कोई अनफिट होता है तो वहीं से उसको भगाया नहीं जाता है, जैसे लालागुड़ा वो जोनल हॉस्पिटल है, तो जोनल हॉस्पिटल में उसको रेफर किया जाता है, वहां पे डॉक्टर्स चेक करेंगे और उसके बाद अगर वहां पे सही नहीं आता है, उनको प्रॉब्लम लगता है तो वो बाहर करेंगे, अगर उनको ठीक लगता है फिट कर देंगे तो फिट हुआ। वहां पे जो लड़का था उसके बाद उससे मुलाकात नहीं हुआ मेरा कि वो फिट हुआ या अनफिट हुआ। हाँ, डिविजनल हॉस्पिटल पे अनफिट हुआ था तो उसको जोनल हॉस्पिटल पे फॉरवर्ड किया गया था, रेफर किया गया था। तो ठीक है,
ये था मेडिकल का जानकारी कि क्या क्या टेस्ट होता है, कितना टेस्ट होता है, और जो नेक्स्ट वाला ब्लॉग आने वाला है उसमें एक बहुत अच्छा बात जो मैंने बताया है, थोड़ा पढ़ाई जो है उसका टाइम कैसे इम्प्रूव किया जाता है, बहुत छोटा सा बात है, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में वो बात है, बहुत छोटा सा बात है लेकिन अच्छे से समझो तो बहुत बड़ा बात है। तो ठीक है, मेडिकल का जानकारी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, और अपना ध्यान रखना, और जो लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं वो लोग भी अपना ध्यान रखना।